रसमलाई का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है दोस्तों। और जब बने घर पे ही इतनी स्वादिष्ट ये रसमलाई, वो भी सूजी से, तो भाई क्या कहने। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सूजी की स्पेशल रेसिपी। सूजी से बनाएंगे हम घर पे ही बहुत ही स्वादिष्ट ये रसमलाई। तो चलिए बनाते हैं इसको। गैस ऑन कर दी है और ले ली है मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन। अब इसमें ऐड करूँगी मैं एक चम्मच देसी घी। देसी घी केवल एक चम्मच लेना है। अब इसके बाद ऐड करूँगी मैं इसमें 5 चम्मच सूजी। सूजी चाहे मोटी हो या बारीक हो, तो दोनों तरह की सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस रेसिपी में। तो अब इसको मैं कर लूँगी हल्का रोस्ट एकदम लो फ्लेम पे। तो सूजी का हमको ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, तो बस थोड़ा सा हमको इसको ऐसे पका लेना है ताकि जो सूजी का कच्चापन होता है वो निकल जाए। तो कलर चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे। तो एकदम लो फ्लेम पे हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। तो चलिए ये हमारी सूजी यहाँ पे हल्की रोस्ट हो गई है। अब इसके बाद ऐड करूँगी मैं यहाँ पे 500 ml दूध। दूध चाहे गाय का हो या भैंस का हो, दोनों ही तरह के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस रेसिपी में। कंटिन्यू चलाते रहेंगे इसको ताकि ये जो हमारी सूजी है दूध के साथ थोड़ा गर्म होने के बाद ये फूल जाए। और बढ़िया से पका लेंगे। अब फ्लेवर के लिए ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इलायची पाउडर और 1 चम्मच ऐड करूँगी यहाँ पे चीनी का। तो चीनी 1 चम्मच ही डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी हमको इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा गाढ़ा करना है जब तक कि ये एक डो जैसा ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा काफ़ी थिक हो गया है। सूजी बहुत ही अच्छे से दूध के साथ यहाँ पे पक गई है और इस तरह से बन गई है जैसे कि बैटर हो जाता है गाढ़ा सा। तो देख सकते हैं इस तरह का हमको ये तैयार करना है जब ये चिपचिपा सा हो जाए और ऐसे पैन को छोड़ने लगे। अब गैस को कर देंगे बंद। इसके बाद ले लूँगी मैं यहाँ पे एक बाउल और ले लिया है यहाँ पे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं 4-5 चम्मच के आसपास दूध। तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए ये यहाँ पे हमारा मिक्स हो गया है बहुत ही अच्छे से। तो एक यहाँ पे गैस ऑन कर दी है और ले ली है मैंने एक कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करूँगी मैं 500 ml दूध। तो इस दूध को हमको बहुत ही अच्छे से पकाना है। तो चलाते रहेंगे जब तक कि बॉयल ना जाए हमारे दूध में। गैस की फ्लेम को कर देंगे हाई। जब तक यहाँ पे हमारा दूध गर्म हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो सूजी का बैटर है थोड़ा ठंडा होने लगा है। तो हमें ये बैटर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, थोड़ा गर्मी रहे तो तभी इसकी तैयारी करेंगे। और ले लिया है मैंने यहाँ पे देसी घी। देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं इस रेसिपी में। थोड़ा सा इस तरह की मेरे पास 1 चम्मच है घी से, इसको ग्रीस कर लूँगी और इस बैटर पे भी थोड़ा सा घी लगा दूँगी ताकि ये हमारा चिपके ना हाथों पे। और ऐसे थोड़ा सा मैं बैटर इसमें चम्मच में ऐसे दबा दबा के इसको शेप दूँगी एकदम वाइट रसगुल्ले जैसी। तो देखिए ऐसे मैं एक बार और इसको दूसरी साइड से ऐसे ही दबाऊंगी सेम, और इसको भी ऐसे ही दबा के मैं निकाल लूँगी। तो देखिए दोनों साइड से गोल हो गया है। तो थोड़ा सा मैं इसको हाथों से भी सेव दूँगी। तो बिल्कुल ऐसे ही एकदम वाइट रसगुल्ले जैसे हमें ये बना के तैयार कर लेने हैं बारी बारी से। तो बैटर जितना ठंडा होगा तो बनाने में उतनी ही दिक्कत आएंगी। तो कोशिश करें जब ये बैटर गर्म रहे तो तभी हम इसको फटाफट से बनाएं और बना के सब एक बार ही ऐसे तैयार कर लें जब तक कि हमारा वहाँ पे दूध अच्छे से गाढ़ा हो रहा है।
बनाना इसको बहुत ही आसान है दोस्तों, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो लीजिए, मैंने एक और ऐसे बना के रेडी कर लिया है, बहुत ही सॉफ्ट है ये हमारे यहाँ पे वाइट बॉल। तो घी जरूर लगाएं, हल्का हल्का सा घी लगाते रहें ताकि ये बिल्कुल भी चिपके ना और फटाफट से बन के रेडी हो जाए हमारे यहाँ पे। तो लीजिए, ऐसे ही सारे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, बनके रेडी है हमारे यहाँ पे सारी वाइट बॉल्स सूजी की। एक बार आपको दिखा देती हूँ कि ये बॉल्स हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है, एकदम रबड़ की तरह गुदगुदी, बहुत ही स्पॉन्जी सी। तो बॉल्स तो हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है सारी बनके। अब दूध को भी देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे से गर्म हो रहा है हमारा यहाँ पे दूध। तो हमको इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा ना हो जाए। अब थोड़ा सा मैं डाल दूँगी यहाँ पे जो हमने एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा था लिक्विड फॉर्म में, तो थोड़ा थोड़ा ऐड करके ऐसे ही लगातार इसको चलाते रहेंगे ताकि गांठ ना बने हमारे दूध में। तो खूब बढ़िया से इसको पका लेंगे। अब इसके बाद ऐड करूंगी मैं यहाँ पे 200 ग्राम चीनी। तो मीठा जैसा भी कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें। तो अभी थोड़ा और हमको इसको पकाना है जब तक कि एकदम रबड़ी फॉर्म में ना जाइए। तो चलिए, काफ़ी गाढ़ा हो गया है तो बस इसी स्टेज पे डाल दूंगी मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास बारीक कटे जो ड्राई फ्रूट्स थे। तो जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो वो ऐड कीजिए। तो वो फटाफट से डाल देंगे अपनी जो ये वाइट बॉल्स हैं सूजी की। गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे दोस्तों और फटाफट से अपनी बॉल इसमें डाल लेंगे और इसको प्लेट से कवर करके करीब 10 मिनट तक हमको पकाना है जब तक कि ये हमारी रबड़ी थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। तो चलिए, बन के रेडी हो गए हैं यहाँ पे, गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और देखिए कितनी परफेक्ट बनी है हमारी यहाँ पे सूजी की रसमलाई। तो चलिए ठंडा करके फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो काफ़ी ठंडी हो गई है, एकदम चिल्ड हमारी ये रसमलाई। तो थोड़ा सा मैं इस पे डाल दूँगी यहाँ पे काजू, थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता से इसको ऐसे डेकोरेट करूँगी। तो लीजिए दोस्तों, बनके रेडी है हमारी यहाँ पे टेस्टी मज़ेदार एकदम ठंडी ठंडी सूजी की रसमलाई। तो रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पर अगर नए हो दोस्तों तो चैनल को कर लें फटाफट से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।